सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप की स्टे होम वाली फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं, जो कि देखने में काफ़ी क्रिएटिव सी लग रही है। और गाइस, अगर आप लोग सेम एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी देखना। अगर आप लोग स्किप मार के देखते हो तो आपको एडिटिंग करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और गाइस, यहाँ पर मैंने जितना बैकग्राउंड और PNGs का यूज़ किया, सबका लिंक मैंने दे दिया आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलो गाइस, आज की वीडियो को कर लेते हैं बिना देरी के स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग इस बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर देना, मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को। उसके बाद सेकंड नंबर पे एक टूल का ऑप्शन दिखेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन अपने रिसाइज पे आ जाना। मैं आप लोगों को इसके बेथ बता देता हूँ क्या रखना है। यहाँ से आप लोग 1106 कर देना, फिर डन पे क्लिक कर देना एंड रिसाइज कर देना। अब होगा कि हमारी जो इमेज की क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप लोग अपने ऐड फोटो के अंदर जाना और आपको जो भी मॉडल रखना हो आप लोग उसको ऐड करना। तो गाइज, यहाँ से मैं अपने मॉडल को ऐड कर लेता हूँ। इसको बैकग्राउंड पे फुली कुछ इस तरीके से सेट करना है एंड हम लोग यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे। देन गाइस, फिर से जाना है अपने टूल के ऑप्शन पे एंड यहाँ से इस बार आप लोग एडजस्ट पे आ जाना। फर्स्ट नंबर पे ही आपको एक ब्राइटनेस का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसको कुछ इस तरीके से फुल कर देना है। फिर अपने इरेजर पर आ जाना, इसको इन्वर्ट कर देना। देन रिस्टोर पर क्लिक कर देना, हार्डनेस को कुछ इस तरीके से जीरो कर देना एंड ओपेसिटी को आप लोग 20 रख लेना और साइज़ अपने हिसाब से। तो गाइस, यहाँ से मैं 18 रख लेता हूँ एंड अपने इमेज को हम लोग कुछ इस तरीके से जूम करेंगे। आप लोगों को जहाँ भी हाईलाइट वाला एरिया दिखे आप लोग कुछ इस तरीके से डोजन बर्न का इफेक्ट दे देना अपने पिक के अंदर। देन गाइस, हम लोग कुछ इस तरीके से डोजन बर्न दे देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपने पिक के अंदर डोजन बर्न का इफेक्ट दे दिया। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। हम लोग इसको माइनस करेंगे तो एंड ये डोजन बर्न इफेक्ट कम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे डोजन बर्न इफेक्ट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को इसका साइज़ बता देता हूँ, आप कितना रख सकते हो। 39 रख लेना। देन यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना। और गाइस, हम लोग क्या करेंगे, शैडो क्रिएट करेंगे। तो चलेंगे अपने ड्रॉ टूल के अंदर। ड्रॉ टूल के अंदर आने के बाद आपको ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है, फिर ब्रश पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग इसका साइज़ देख ले, 80px रखना है और ओपेसिटी 32 और यहाँ से हार्डनेस को 1। फिर उसके बाद सेट कर देना है। अपने मॉडल के शूज़ के पास हम लोग कुछ इस तरीके से शैडो क्रिएट करेंगे। देन अपने यहाँ पे जहाँ पे भी आपको लगे कि शैडो कम है, कुछ इस तरीके से आप लोग शैडो दे देना। फिर उसके बाद गाइज, हम इस लेयर पे क्लिक करेंगे। देन एक ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको हम लोग कम कर देंगे। यहाँ से 50 रखेंगे, फिर 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे एंड इसको मर्ज कर देंगे। देन यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे। सो गाइज, अपनी जो पिक है यहाँ पे पिक्सआर्ट के अंदर सारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो चुकी है अपनी पिक। हम लोग इस फोटो को अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेंगे ताकि इस पिक को हम लोग और अच्छा बना सके। सो आप लोगों ने क्या करना है, इस लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है और इस पिक को गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे हमने अपने फोटो को स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लिया है। उसके बाद हम लोग पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर देना। फर्स्ट पे आपको एक फेस स्पॉलेट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप लोगों ने इसको 30 रखना है। उसके बाद आप लोगों ने स्किन स्मूदिंग को कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर देना है। देन आई क्लियरिटी को भी इंक्रीज़ कर देंगे 63। फिर यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना है एंड हम लोग क्या करेंगे, अगेन अपने पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर हम लोग गाइस यहाँ से सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे, अपना जो मॉडल उसके टी शर्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है एंड हम लोग यहाँ से इसके कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ कर देंगे, स्ट्रक्चर को इंक्रीज़ कर देंगे और सेचुरेशन को इंक्रीज़ कर देंगे। देन राइट पे क्लिक कर देंगे और गाइस यहाँ से हम लोग चले जाएंगे अपने ब्रश टूल पर। फिर आप लोगों ने इसका अमाउंट 5 रखना है, अपने इमेज को जूम करना है, पीछे से लाइट का इफेक्ट आ रहा है तो ये चीज़ अपने मॉडल पर भी देना है। I can see some evidences.